बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज हम अपने देसी किचन पंजाब में आपके लिए जो डिश लाए हैं, जो रेसिपी लाए हैं, आज बनाने जा रहे हैं हम बाल्टी गोश्त। बाल्टी गोश्त क्योंकि कुर्बानी की आपको पता है कि ईद आ गई है बिल्कुल करीब, चंद दिनों की का फासला रह गया है। और जी हमने उसकी तैयारी भी करनी है, उसमें हमने क्या क्या बनाना है। और जी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो अपने कमेंट्स में भी ज़रूर बताना है, और इसको लाइक करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। तो जी आज हम बाल्टी गोश्त बनाएंगे, और बाल्टी गोश्त बनाने के लिए चूँकि अभी ईद तो आई नहीं है इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल बनाना है चिकन का, चिकन बाल्टी गोश्त बनाएंगे। इसी ये तरीका यही है, और इसी तरीके से आप जो है वो मटन बाल्टी गोश्त भी बना सकते हैं, बीफ भी बना सकते हैं। मैंने लेकिन चूज़ किया है चिकन, और चिकन को मैंने धो लिया और छोटे छोटे इसको मैंने, ये देखे बोन ज़्यादातर बोनलेस है, छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको कटिंग कर लिया है। और इसके अंदर जो जो चीज़ें यूज़ होंगी वो जी है, 4 अदद मैंने टोमेटो लिए है क्योंकि मेरे पास जो चिकन है ये तकरीबन 1.5 kg है, 1.5 किलो मेरे पास चिकन है। उसके लिए मैंने 3 ये हरी मिर्च ले ली हैं, 4 अदद मैंने टमाटो लिया है, टमाटो का मैंने छिलका कटिंग उतार लिया है, छिलका उतारने के बाद ताकि ये अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स हो सके, आप इसका पेस्ट बना के भी डाल सकती हैं। 4 अदद मैंने टमाटो लिया है, छिलका उतार लिया है, हरा धनिया लिया है, उसके अलावा मैंने जी 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के थोड़े प्याज ले लिए हैं, कटिंग कर लिया है इनको भी मैंने, और इसके साथ जी लहसुन अदरक का पेस्ट है ये है 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च लिया है। अपने पे आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मिर्च इसमें यूज़ करना चाहती हैं, और ज़्यादा अगर आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें कमो बेश जो भी है ज़्यादा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास ये है जी खुश्क धनिया, और इसको मैंने थोड़ा सा ये दृढ़ कर लिया है, मोटा मोटा मैंने इसे कूट लिया है, कूटा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून है जी लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून है हल्दी पाउडर, और 1/2 टीस्पून है इसमें ज़ीरा, और नमक है हसबे ज़ायका, जितना आप पसंद करते हैं कम या थोड़ा कर सकते हैं, कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, और लाल मिर्च है इसमें 1 टीस्पून। और मैंने ले लिया है अपनी कढ़ाई के अंदर डाल दिया है जी मैंने 1/2 कप इसमें मैंने घी लिया है। तो पहले सबसे पहले मैंने चूल्हा ऑन किया है, और ये जो 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं ये मैं इसके अंदर डाल के हल्के से इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। प्याज ब्राउन करते वक्त 1 अदद मोटी इलायची, 2 अदद लौंगें, और जी थोड़ी सी दालचीनी, ये मैं प्याज जब मैंने ब्राउन करना ये भी मैं साथ डालती हूँ। प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, और अब जी इसमें डालना है सबसे पहले क्या डालेंगे, चिकन, और चिकन के बाद बाकी चीज़ें साथ साथ चिकन डालें। चिकन के साथ हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 किलो हमारा गोश्त है, थोड़ा सा हम इसको हल्का सा पकाएंगे लहसुन अदरक के पेस्ट में ताकि लहसुन का जो जायका है वो कच्चा ना रह जाए बीच में। थोड़ा सा हमने लहसुन अदरक के साथ पका लिया जी, अब इसमें मैं 3 अदद टमाटो डालूंगी, मीडियम साइज़ के हैं अगर तो 3 आप यूज़ कर लें, छोटे हैं तो आप 4 अदद डाल लें। तो छिलका उतार लिया मैंने इनका, और इसमें अब मैं बाकी जो मसाले हैं मेरे पास, हल्दी पाउडर है, कटा हुआ खुश्क धनिया है, लाल मिर्च है,
नमक है, ज़ीरा है। अब ये मसाले भी मैं सारे इसके अंदर ऐड कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी ताकि ये मसाला जो है सारा हमारा ज़ाया ना हो। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी जिसमें हमारा ये चिकन जो है वो गल जाए। अगर आप बीफ बना रहे हैं या मटन बना रहे हैं आप उसके लिए प्रेशर कुकर इस्तेमाल करें। और प्रेशर कुकर में अगर बीफ है आपका इतना ही है, 1.5 किलो या 2 किलो है, तो आप उसमें 4 गिलास पानी शामिल कर दें या 5 गिलास शामिल कर दें ताकि वो आपका 15 या 20 मिनट में अच्छे तरीके से गल जाए। अगर मटन है तो उसमें आप कम पानी यूज़ करें। पानी ड्राई हो चुका है और आप इसमें डालेंगे थोड़ी सी दही। ये देखिए एक छोटा सा कप मैंने दही का लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, भून लेंगे। अब इस दही के पानी को हमें वैसे ड्राई करना है और साथ में डाल देंगे हम कटी हुई हरी मिर्च। ये देखिए 3 अदद हरी मिर्च मैंने इस तरह लंबाई में इनको कटिंग कर लिया है। ये डाल देंगे बीच में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि बहुत अच्छी कढ़ाई हमारी बन रही है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो नाज़रीन हमारी ये जो बाल्टी कढ़ाई है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इस पर डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया और इससे अब हम डिश आउट करते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चूल्हे को हम बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है नाज़रीन। अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी ये जो बाल्टी कढ़ाई है वो तैयार हुई है और आपको यकीनन पसंद आएगी। और ईद पे अगर आप मटन या बीफ का बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनेगी और आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा नाज़रीन के अगर आप कुर्बानी करते हैं तो अपने इर्द गिर्द साथ वालों को भी उसमें ज़रूर शामिल करें, क्योंकि हो सकता है कि उनकी माली हालात ठीक ना हो और लोग वो लोग इस कुर्बानी से महरूम हो गए हों, वो ना कर सकते हों, इसकी हिम्मत ना रखते हों, माली हालत उनकी ऐसी ना हो, तो आप प्लीज़ उनका भी ख्याल रखिएगा, उनको भी शामिल कीजिएगा। तो जी ये हो गई हमारी बाल्टी कढ़ाई। और जी अब हम थोड़ा सा धनिया बचा के रखा था इसकी गार्निश के लिए। ये देखिए हमारी हरी मिर्च और जी हम इसमें अब डालेंगे हरा धनिया थोड़ा सा गार्निश के लिए। तो नाज़रीन आपको यकीनन मेरी आज की ये डिश बहुत पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी फैमिली में अपने दोस्तों मित्रों में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखिएगा। आपको और हम सबका अल्लाह नेगेबान।